A very pleasant morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor, and today I'm going to teach you about descriptive paragraph. So let us start this particular session without any further delay. So before we proceed, let us understand the marking scheme. सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो आपका descriptive paragraph आता है, ये आपका 5 marks का आता है. And If you write a catchy title, आपका एक अगर टाइटल बहुत इंप्रेसिव है तो आपका उसका एक 1 mark होता है. कॉन्टेंट अगर आप लिखते हैं 100 to 120 words तो आपके उसके 2 marks मिलते हैं. एंड इफ योर सेंटेंस फॉर्मेशन इज यू नो एडिक्वेट फ्लॉलेस, यानी उसकी ग्रामर मिस्टेक्स नहीं है, तो आपको उसके लिए 1 mark मिलता है. एंड रेलिवेंस, और जो टॉपिक आपसे पूछा गया है, अगर आपने एक रेलिवेंट टॉपिक लिखा है, 1 mark इज गिवन टू यू. सो दिस इज हाउ योर 5 marks आर डिवाइडेड. Now in this particular descriptive paragraph, I will teach you how to describe a person. कि अगर आपको question में आता है कि आपको एक person को describe करना है, so what are the key points you have to consider while describing a person? कौन-कौन से वे key points हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए? सबसे पहले आप उसका physical appearance कैसा है, दिखने में वो कैसा है, उसकी habits कैसी हैं, उसका profession कैसा है, उसकी qualities कैसी हैं, special ट्रेट्स का मतलब है उसके स्पेशल फीचर्स, गुण कह सकते हैं. यूज एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस, सिंपल प्रेजेंट टू बी यूज, मतलब आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होना चाहिए वो सिंपल प्रेजेंट भी होना चाहिए इफ दैट पर्सन इज अलाइव. सपोज करें कि एक इंसान जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, ही हैज ऑलरेडी पास्ड अवे, तो डेफिनेटली सी बात है आप उसके लिए उसका सेंटेंस फॉर्मेशन पास्ट में यूज करेंगे. एंड गिव कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स, कॉन्क्रीट का मतलब रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स, और आपको एग्जाम्पल्स भी दें तो रियलिस्टिक होने चाहिए. एंड एनेक्डोट्स, एनेक्डोट्स का मतलब होता है एन अकाउंट ऑफ ए पर्सन, मतलब किसी भी इंसान का जो रियलिस्टिक अकाउंट होता है, मतलब उसके जीवन की जो रियल घटनाएं होती हैं उनके बारे में लिखना एनेक्डोट्स कहलाता है. सो दीज आर द की पॉइंट्स यू हैव टू राइट व्हाइल डिस्क्राइबिंग अ पर्सन. तो ये पॉइंट्स आपको कुछ कवर करने होते हैं. आपको जब क्वेश्चन दिया होता है तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ क्या दिए होते हैं, कुछ आपको हिंट्स दिए होते हैं. जैसे मान लो डिस्क्रिप्शन ऑफ माय फेवरेट टीचर, तो मान लो यहाँ पर आपको हिंट में दे दिया नेम मिस्टर मैमूर सुल्तान, क्वालिटीज ऑफ ए ट्रू टीचर, ऑनेस्ट हार्डवर्किंग हम्बल. ये क्वेश्चन में आपको दिया होता है, डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर्स, नो डिजायर ऑफ फेम, नेम एंड फेम, मिशन सर्विस टू द नेशन, एंड एक्सपेक्टेशन टू टेक द एजुकेशन सिस्टम ऑफ आर कंट्री टू ग्रेटर हाइट्स. तो मान लो जो भी पर्सन आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है उससे रिलेटेड आपको कुछ की पॉइंट्स दे दिए जाते हैं. एंड व्हेन यू राइट अबाउट दैट पर्सन और व्हेन यू डिस्क्राइब दैट पर्सन, ट्राई टू यूज दिस हिंट. तो आपको ये हिंट्स को यूज करके ही आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होता है. सपोज करें आप मुझे ये कुछ डिस्क्रिप्शन, मतलब ये जो हिंट्स दिए गए हैं, मैं इन्हीं हिंट्स को जोड़कर डिस्क्रिप्शन लिखूंगा अबाउट माई फेवरेट टीचर. तो आपको भी इस तरीके से हिंट्स मिलते हैं, और हिंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा. नाउ लेट अस डिस्कस, देखते हैं, मैं एक सैंपल अभी करके देखते हैं हम. देखें, माय फेवरेट टीचर मिस्टर मैमूर सुल्तान, तो मैंने कैची सा टाइटल दिया, इसका 1 mark हो गया आपका. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मिस्टर मैमूर सुल्तान इज माई फेवरेट टीचर, तो वो मेरे फेवरेट टीचर है, राइट. ही इज प्रिंसिपल ऑफ आर स्कूल, और वो हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य है, यानी हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है. ही हैज ऑल द क्वालिटीज, उनके पास सारी की सारी अच्छी क्वालिटीज है ऑफ ए ट्रू टीचर, मतलब एक जो सच्चे अध्यापक के अंदर होनी चाहिए. अब मैं यहाँ पे उनके कुछ क्वालिटीज बता रहा हूँ. ही इज ऑनेस्ट एंड हार्डवर्किंग, वो ईमानदार है और बहुत मेहनती है. ही इज वेरी हम्बल, हम्बल का मतलब एक इंसान जो कि बहुत ज्यादा पोलाइट होता है, मतलब बहुत ज्यादा पोलाइट है. तो इन लाइन में मैंने क्या बताया है, उनकी क्वालिटीज के बारे में बताया है. ही सिंप्लिसिटी, उनकी जो सादगी है, कैनॉट्स, कैनॉट्स का मतलब हो गया आपका डिस्क्राइब करना, यानी उनकी सादगी उनको डिस्क्राइब करती है. तो यहाँ पर मैंने उनकी क्वालिटीज के बारे में बता दिया. देयर इज नो ट्रेस ऑफ एनी प्राइड इन हिम, यानी उनके अंदर कोई घमंड नाम की कोई चीज ही नहीं है. He is different from other teachers. ये हिंट में दिया गया था आपको, यानी वो दूसरे टीचर्स से अलग है बिल्कुल. He has no desire for any name and fame. और उनका कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उनको name, fame और riches. Riches का मतलब अमीरी चाहिए उनको. उनको कोई name, fame या ऐसी कोई इनको ज्यादा इच्छा नहीं है उनको. He is faultless. मतलब एक ऐसा इंसान जो कोई mistake नहीं करता है,
ब्लॉटलेस, जिसको ऊपर बेदाग कह सकते हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बेदाग है, उनका चरित्र जो है बेदाग है। सर्विस टू द नेशन, यानी उनका जो मिशन है वो क्या है, देश की सेवा करना इज द ओनली मिशन ऑफ हिज लाइफ, यानी देश की सेवा करना सिर्फ उनका मिशन है। ऑल द स्टूडेंट्स होल्ड हिम इन हाई एस्टीम, एस्टीम का मतलब यहाँ पे इज्जत कह सकते हो, रिस्पेक्ट कह सकते हैं, और सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। एंड एक्सपेक्ट, और वो इस बात की उम्मीद करते हैं दैट ही विल टेक द एजुकेशन सिस्टम ऑफ आर कंट्री, कि जो मिस्टर महमूद सुल्तान जो कि मेरे फेवरेट टीचर हैं, वो क्या करेंगे, एक ना एक दिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हमारी कंट्री का, उसको ग्रेटर हाइट्स, बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर सैंपल, अगर आप इस सैंपल को ध्यान से देखें, तो मैंने उन्हीं पॉइंट्स को क्या किया है, देखो मैंने वही पॉइंट्स को यहाँ पे कवर किया है। ये पॉइंट मैंने मिस्टर महमूद सुल्तान, फिर मैंने क्वालिटीज की बात की, तो ये क्वालिटीज मैंने उसके अंदर ऐड की, तो फिर मैंने डिफरेंट किस तरीके से ये पॉइंट मैंने ऐड किया, उनका मिशन क्या है ये पॉइंट मैंने ऐड किया, एक्सपेक्टेशन क्या आपकी, तो ये पॉइंट टू टेक द एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री टू ग्रेटर हाइट्स, ये पॉइंट हमने कवर किए। इफ यू लुक एट दिस सैंपल, सो आई हैव कवर्ड दीज ऑल द पॉइंट्स, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिस्क्राइब द पर्सन, एंड सम हिंट्स आर गिवन टू यू, एंड इनकॉर्पोरेट दोज हिंट्स व्हाइल डिस्क्राइबिंग अ पर्सन। जो पॉइंट्स आपको दिए गए होते हैं, जो हिंट्स आपको दिए गए होते हैं, उन्हीं हिंट्स को आपको क्या करना होता है, इनकॉर्पोरेट करना होता है, शामिल करना होता है, जब आप एक पर्सन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्सन, तो इस तरीके से आपको एक पर्सन का डिस्क्रिप्शन देना होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड माई डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड।